करेंगे ONGC के बारे में। शुरुआत में इसका प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 128 का इसका प्रीवियस क्लोज आपको दिख रहा है और इसकी शुरुआत भी लगभग उसी के आसपास से तरावट के साथ, बिल्कुल तेज़ तरावट के साथ आई है। वहाँ से ये नीचे तो गिरा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे गिर के करेक्शन के साथ ऊपर आया है। इसका मतलब ये रहा कि इसमें आप शानदार तरीके से ट्रेड करने लायक ये कंपनी है। इसके आप ट्रेडिंग का आप एक फॉर्मेट देखेंगे तो बिल्कुल शानदार तरीके से इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो कम है, इसलिए इसमें थोड़ी देर के लिए ज़्यादा कम से कम 12:30 बजे तक इसमें एक मेडियन बनाने की कोशिश हुई लेकिन कोशिश नाकामयाब रहा और वहाँ से मार्केट के गिरने की वजह से इसमें भी आपको गिरावट नज़र आई है। कई बार अपर बॉटम का इसको सपोर्ट मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है और यही 3 सपोर्ट के वजह से ही इसमें एक शानदार तरीके से जंप मिला, एक लीप मिला। इस लीप को संभालते हुए उसमें एक बार और गिरावट नज़र आई क्योंकि ये गिरावट ऑलमोस्ट सभी शेयर्स में नज़र आया शुक्रवार के दिन, लगभग सभी शेयर्स में। तो उसका शिकार तो इसको बनना ही था, अगर ये नहीं होता तो ये बहुत आसानी से ऊपर की ओर ही ट्रेड कर लिया अब तक किया होता। इसमें रिकवरी आपको बहुत जल्दी और बहुत शानदार रिकवरी आपको नज़र आएगी। इस ONGC में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपका कितना टारगेट होना चाहिए, तो देखिए आपका टारगेट सीधा सीधा हम बात करेंगे तो 140 का एक टारगेट होना चाहिए जो आपको 2 से 3 महीने के दरमियान बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। बात करते हैं 5 साल की, तो 5 साल में आपका ONGC में टारगेट कितना बनना चाहिए, तो पिछले 5 साल में देखेंगे तो कंपनी में आपको निवेश के लिए थोड़ा घाटा नज़र यहाँ पर ज़रूर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हार नहीं माननी चाहिए और कम से कम आप एक 200 का टारगेट रखिए। ये 3 साल के लिए टारगेट रखिए और ये टारगेट आपका पूरा हो भी सकता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसमें से एक रीज़न इसका मैक्स, अगर आप देखते हैं मैक्स रिटर्न की ओर हम ज़रा बातचीत करते हैं तो मैक्स रिटर्न में ये दिखाता है तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए 470% दिया है पिछले लगभग 22-23 साल में। तो इसके ग्राफ की ओर नज़र डालेंगे तो अच्छा खासा ही मोमेंटम के साथ अब आगे बढ़ रहा है।